नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर हुए। सीरियल बैरिस्टर बाबू में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। छोटी सी बोंदिता के जाने कितने दुश्मन हो गए हैं। वैसे आज का एपिसोड काफ़ी इवेंटफुल था। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि ब्रिजवासी बोंदिता से कहता है कि वो अपने महंगे से महंगे जेवर पहन के कान्हा जी की पूजा करने आए। बोंदिता कहती है कि मेरा सच्चा गहना तो मेरी आराधना है, और वैसे भी ये गहने तो मुझे काका ससुर ने दिए हैं, ये उनके गहने हैं, मैं इसे पहन के नहीं आ सकती। अनिरुद्ध बोंदिता को ब्रिजवासी से बात करते देख लेगा। वो बोंदिता से कहेगा कि तुम अपरिचित लोगों से कैसे बात कर सकती हो, क्या तुम इसे जानती हो। लेकिन तभी त्रिलोचन काका आ जाएंगे और कहेंगे कि बोंदिता को अभी अभी मैंने ब्रिजवासी से मिलवा है। अनिरुद्ध बोंदिता को पढ़ाने ले जाएगा। वो बोंदिता से दोबारा से पढ़ाई करने को कहेगा। वो कहेगा कि जो अक्षर तुमने नहीं लिखे थे अब तुम्हें फिर से लिखने पड़ेंगे। लेकिन अनिरुद्ध एक बार फिर से सौदामिनी के हाथों बेवकूफ़ बन जाएगा। अनिरुद्ध देखेगा कि सौदामिनी की दीदा उसे कहीं पकड़ के ले जा रही है। अनिरुद्ध बोंदिता से कहेगा कि मुझे अभी इसी वक्त सौदामिनी के घर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई करते रहना। बोंदिता कहीं भाग ना जाए इसलिए अनिरुद्ध कमरे को बाहर से लॉक करके चला जाएगा। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध जाएगा उसके पिता वो दरवाजा खोल देंगे और दरवाजे पे मोरपंखी लगा देंगे। छोटी सी बोंदिता जो इतनी नादान है, कुछ समझ नहीं पाती, वो सोचेगी कि कान्हा जी ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, एक बार फिर से मैं पति बापू को धोखा दे के कान्हा जी की पूजा करने चली जाती हूँ। बोंदिता भागती हुई फिर से ब्रिजवासी के पास पहुँच जाएगी। तहखाने में पहुँच के बोंदिता एक के बाद एक गीता के श्लोक पढ़ना शुरू कर देगी। बोंदिता आ ई तो सीख नहीं पा रही, लेकिन श्लोक पढ़ने में बड़ी उस्ताद है। बोंदिता की आवाज़ को कान्हा की आवाज़ सुनने वालों में त्रिलोचन काका के अलावा संपूर्णा का पूरा परिवार भी रहता है। संपूर्णा को तो सब कुछ पता रहता है और वो मुंह छुपाए खड़ी रहती है। इधर अनिरुद्ध जब बोंदिता को कमरे में नहीं पाता तो बेहद नाराज हो जाता है। अनिरुद्ध के पिता कहते हैं कि अगर बोंदिता नहीं पढ़ना चाहती तो तुम उसे ज़बरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो। अनिरुद्ध कहता है बोंदिता को तो शिक्षा प्राप्त करनी ही पड़ेगी, अगर वो आसानी से नहीं मानेगी तो मैं उसे डांट के पढ़ाऊँगा, लेकिन बोंदिता को पढ़ाई हर हालत में करनी पड़ेगी। तभी वहाँ सौदामिनी दोबारा से नाटक करती हुई आ जाती है, और इस बार सौदामिनी ने अंधे होने का नाटक किया है। सौदामिनी अनिरुद्ध के घर में एक के बाद एक चीज़ें गिराती जाती है। अनिरुद्ध परेशान हो जाता है। सौदामिनी कहती है मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सौदामिनी की दीदा और पिता भी आ जाते हैं। उसकी दीदा बताती हैं कि मैं सौदामिनी को ब्रिजवासी के पास ले गई थी, उसने इसे एक जड़ी बूटी दी जिसे खाते ही सौदामिनी की आँखों की रोशनी चली गई। सौदामिनी अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे वचन दो कि जिसने मेरी आंखों की रोशनी छीनी है तुम उसका सब कुछ छीन लोगे। अनिरुद्ध कहता है कि ये एक दोस्त से वादा है कि मैं उस ब्रिजवासी को जरूर सजा दूंगा। अनिरुद्ध ब्रिजवासी के यहाँ पहुँच जाता है। इधर बोंदिता का दम घुटने लगता है और वो श्लोक पढ़ना बंद कर देती है। ब्रिजवासी परेशान हो जाता है और भक्तों से कहता है कि कुछ देर के लिए आप लोग बाहर चले जाइए, कान्हा जी नाराज हो गए, मुझे बात करनी पड़ेगी। वो बोंदिता को तहखाने से निकालता है और कहता है जल्दी से पानी पियो, बाहर सब लोग तुम्हारे श्लोक पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बोंदिता कहती है बाहर कौन मेरा इंतजार कर रहा है, कहीं संपूर्णा दीदी तो नहीं है। वो संपूर्णा दीदी को देखने बाहर जाती रहती है तो ब्रिजवासी उसे पकड़ लेता है और धमकाता है खबरदार जो तुम बाहर गई। तभी अनिरुद्ध भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ब्रिजवासी को ललकारता है। अब ब्रिजवासी परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे सारे जेवर गहने और बोंदिता को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। बोंदिता बचाव के लिए ब्रिजवासी को डंडा मारती है, पर छोटी सी बोंदिता कुछ नहीं कर पाती। ब्रिजवासी उसे बेहोश कर देता है और एक कपड़े से लपेट के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू शुरू हुआ था चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, लेकिन अब बोंदिता के साथ इतना अत्याचार दिखाया जा रहा है दूसरी, और अनिरुद्ध सिर्फ सौदामिनी पे ध्यान दे रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी भाग के कहां जा रही है।
सीरियल में अनिरुद्ध का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश करा गया था, लेकिन अब वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सुनने में आया है कि बैरिस्टर बाबू में बहुत जल्द एक नाचने वाली बाईजी का ट्रैक शुरू होने वाला है। बैरिस्टर बाबू जैसा सीरियल जो और सीरियल से बिल्कुल अलग है, उसमें इस तरह के ट्रैक डालना क्या जरूरी है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। वैसे सीरियल में जल्द ही एक और बाल कलाकार की भी एंट्री होगी। अब ये बाल कलाकार कौन होगी, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अनन्या, साहिबा, देवोलीना, गुलाब गुलाब और उमा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियल बैरिस्टर बाबू के कल के एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।